इंदौर में पंडित प्रदीप मिश्रा की शिव महापुराण कथा से पहले बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। दलालबाग क्षेत्र के आसपास कथा के पोस्टर लगे हैं, जिसे नगर निगम की टीम ने हटा दिया, जिस पर काफी बवाल हुआ। पंडित प्रदीप मिश्रा के पोस्टर को नगर निगम की टीम ने हटा दिया, जिसे लेकर कांग्रेस ने विवाद खड़ा कर दिया, जिसके चलते कांग्रेसजनों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि नगर निगम द्वारा पोस्टरों को हटाया तो गया, साथ ही उन्हें फाड़ दिया गया। उनसे निवेदन भी किया गया कि शोभा यात्रा तक पोस्टर लगे रहने दें, इसके बाद वे खुद ही पोस्टर हटा लेंगे। इधर इस घटना को लेकर एमएलए संजय शुक्ला का कहना है कि शोभा यात्रा के स्वागत के लिए लगाए गए भगवा ध्वज भी हटा दिए गए, जो निंदनीय है। उनका कहना है कि भाजपा बोकलाहट में ऐसे कदम उठा रही है। पंडित मिश्रा की शिव पुराण कथा के पोस्टर बैनर निकालकर जब्त कर लिए गए थे। बुधवार को पंडित मिश्रा के नगर आगमन पर शोभा यात्रा पूर्वक आयोजन स्थल तक ले जाया गया। इसके लिए बाणगंगा से लेकर दलालबाग तक के रास्ते को भगवा ध्वज से सजाया गया था, जिसे नगर निगम की टीम ने भाजपा नेताओं के दबाव के चलते निकाल दिया। यह घटनाक्रम निंदनीय और घोर आपत्तिजनक है। एमएलए संजय शुक्ला ने कहा कि नगर निगम के माध्यम से इस भव्य कथा को असफल करने की कोशिश की जा रही है, ऐसी कोशिश कभी परवान नहीं छोड़ सकती है। मैं इंदौर से बाहर हूँ, परंतु इंदौर के अंदर एक ऐतिहासिक कथा होने जा रही है, आदरणीय प्रदीप मिश्रा जी की कथा होने जा रही है, तो उसके नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा इंदौर शहर में भगवा झंडे और जो उनके पोस्टर लगाए गए, जो साइड में लगाए, वो निकाले जा रहे हैं। जिस दम पर, भगवा के धर्म पर आज सरकार केंद्र में स्टेट में चल रही है, परंतु उसी के निकाले जा रहे हैं। इसलिए निकाले जा रहे हैं कि कांग्रेस के में विधायक होने के नाते मैंने इंदौर में प्रदीप मिश्रा जी की भव्य कथा कराई है, परंतु भारतीय जनता पार्टी के लोग आज तक कथा नहीं करा पाए। या कुछ कार्यक्रम में धार्मिक, भला अयोध्या यात्रा हो या रुद्राभिषेक हो या कोई धार्मिक कार्यक्रम हो, ये सब मैं कराता हूँ, परंतु उनको अब ये लग रहा है कि मैं ये सब चीज धार्मिक कार्यक्रम भारतीय जनता पार्टी हटकर मैं कर रहा हूँ। तो इसलिए आज प्रदीप मिश्रा जी, जो हम देश के ख्यात कथावाचक हैं, उनके पोस्टर बैनर निकाले जा रहे हैं, जिससे हमको परेशान किया जा रहा है, मेरे कार्यकर्ताओं को परेशान किया जा रहा है। मैं इंदौर से बाहर हूँ, मैं आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ कि आप अब ऐसा ना करें, दोहरी नीति नहीं करें। नगर निगम के माध्यम से सब पोस्टर निकाले जा रहे हैं, ये देखिए, ये एक तरफ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, एक तरफ भगवा के नाम से सत्ता में आते हैं और दूसरे भगवा के झंडे निकाले जा रहे हैं। मैंने पूरे मार्ग को सजाया है, क्योंकि इंदौर के अंदर लाखों लोग उस कथा में आने जा रहे हैं, परंतु ये नगर निगम के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के लोग ये झंडे निकला रहे हैं, तो याद देखिए, ये अन्याय हो रहा है इंदौर शहर के लिए। इस विवाद में अब पुराने कांग्रेसी नेता पंडित कृपाशंकर शुक्ला भी मैदान में उतर गए हैं। उन्होंने निगम की कार्रवाई पर आपत्ति जताई है। घटना के विरोध में कृपाशंकर शुक्ला पलहन नगर चौराहे पर बीच सड़क कुर्सी लगाकर बैठ गए। नहीं, ऐसा करेंगे किसे और लगे रहते हैं निगम से सड़क में। कांग्रेस अभी से बड़ा मुद्दा बना रही है। उनका कहना है कि नगर निगम के ऐसे व्यवहार को जवाब जनता द्वारा सही समय आने पर दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, मृदुभाषी न्यूज। वीडियो को लाइक और शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।